हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक दिवाकर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे M21 और Realme 6 के बारे में, दोनों फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा आज मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे और वीडियो को लास्ट तक बने रहे, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी कौन सा फ़ोन में बेस्ट रहेगा और कौन सा फ़ोन में क्या फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हालांकि दोनों ही फ़ोन अपने जगह पे बहुत ही पावरफुल फ़ोन है दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग M21 की। दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6.4 इंच का 80+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सुपर ऑमलेट के साथ सैमसंग इन्फिनिट डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको कोरिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें दोस्तों जो बेजल मिलेगा आपको वह काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो हालांकि नीचे में आपको थोड़ी मोड़ी देखने को मिल सकती है बेजल, लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी कम हद तक आपको बेजल देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फ़ोन की बैक साइड की दोस्तों, तो बैक में आपको पॉलीकार्बन का बॉडी देखने को मिलेगी आपको, और दोस्तों हालांकि काफ़ी ग्लॉसी लुक देखने को मिलेगी इस फ़ोन में। तो इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा, साथ ट्रिपल रियल कैमरे के साथ आपको इस फ़ोन को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों फ़ोन बहुत ही अच्छी है, देखने में भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस फ़ोन में बात कीजिए नीचे साइड में, तो दोस्तों नीचे में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, साथ ही इसमें USB टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें इसके साइड की, दोस्तों साइड में आपको वॉल्यूम की देखने को मिल जाएगी और आपको साथ ही साथ पावर की भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रियलमी 6 के। जी हाँ दोस्तों, रियलमी 6 में आपको 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों पंच होल में आपको दोस्तों इसमें एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसमें भी आपको गोरिल्ला का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी और दोस्तों इसमें भी काफ़ी कम आपको बेजल देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस फ़ोन में खास बात यह है कि दोस्तों इसमें जो स्क्रीन आपको मिल रही है वो 19Hz की डिस्प्ले देखने को मिले, जो कि दोस्तों इस प्राइस में काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन के बारे में कि दोस्तों सैमसंग में आपको सुपर ऑमलेट देखने को मिल जाएगी और आपको इसमें रियलमी में जो डिस्प्ले आपको दिया जा रहा है जो कि 19Hz की है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको देखना है कि आपको कौन सा फ़ोन आपको लेना है। दोस्तों रियलमी 6 की बात की जाए तो दोस्तों रियलमी 6 में आपको जो फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगी दोस्तों, वो आपको साइड में देखने को मिलेगी, जो कि देखने में अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है। दोस्तों उसी की साइड में आपको दोस्तों वॉल्यूम की देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बात करें नीचे की, तो दोस्तों नीचे में आपको 3.5mm जैक साथ टाइप सी आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करें दोनों फ़ोन की लुक और इसके बारे में। दोस्तों दोनों ही फ़ोन अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, दोनों ही पावरफुल फ़ोन है दोस्तों, दोनों ही अपनी जगह पे प्रीमियम दिखती है दोस्तों। दोनों में जो बॉडी दी गई है पॉलीकार्बन की बॉडी देखने को मिल जाती है दोस्तों इस फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों फ़ोन की रैम रोम के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों सैमसंग M21 में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है दोस्तों, वो है Exynos 9611 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि Android 10 पर ऑपरेट करता है दोस्तों। इस फ़ोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा दोस्तों, 4GB और 6GB। दोस्तों 4GB में आपको 4/64 देखने को मिल जाएगी दोस्तों, वहीं आपको 6 में आपको 128 देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग रियलमी 6 के बारे में। दोस्तों रियलमी 6 में भी आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो MediaTek का Helio G90T का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग स्पेशलिस्ट गेम है। अगर आप गेमिंग का शौकीन है, आपको गेमिंग फ़ोन पसंद है, तो दोस्तों इस फ़ोन को आप ले सकते हैं, इसमें गेम वगैरह काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये फ़ोन में भी आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेगा, 8GB 128 के साथ मिलेगा, 6GB 128 के साथ मिलेगा और 4/64 आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में। तो हालांकि दोस्तों अब रियलमी 6 में आपको 3 सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी सारे फ़ोन में 3 सिम स्लॉट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की। दोस्तों कैमरा आपको जो सैमसंग में देखने को मिलेगी दोस्तों, वो आपको 48MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगी सैमसंग में, और दोस्तों 8MP का वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगी दोस्तों, वहीं आपको 5MP डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों सैमसंग में आपको फोकस लाइव फोकस मूव का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और जो सैमसंग में आपको सुपर स्टडी का मूड भी देखने को मिलेगी दोस्तों। दोस्तों बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, दोस्तों सैमसंग में आपको 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो दोस्तों, और वही अगर बात करें फ्रंट कैमरा की दोस्तों, तो फ्रंट में आपको 20MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगी, साथ साथ अगर वीडियो की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें आपको सेल्फी में आपको फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रियलमी 6 के कैमरा के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों रियलमी 6 में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है 64MP के साथ दोस्तों, जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलता है दोस्तों इस फ़ोन में। दोस्तों इस फ़ोन में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मोड दिया गया दोस्तों, उसमें आपको 4K में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों इस फोन में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको सुपर स्लो मोशन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको साथ साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा दोस्तों माइक्रो लेंस इसमें अलग से आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण इस फोन में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों बात करें इस फोन की सेल्फी कैमरा के बारे में तो दोस्तों सेल्फी कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा इस फोन में दोस्तों इस फोन में जो वीडियो क्वालिटी है जो कि आप फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों इसमें आपको फुल एचडी में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों इस फोन में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों फ़ोन की बैटरी के बारे में दोस्तों, क्योंकि फ़ोन में हालांकि अभी के डेट में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि बैटरी अगर आपका फ़ोन में किस तरह से दिया गया उसी के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि अधिकतर आदमी बैटरी को देख के फ़ोन को लेता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो सैमसंग में जो आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको 6000 mAh की भारी भरकम जूसी बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें आपको डिसअपॉइंट करेगी एक ही चीज़ जो कि है अब इसका चार्जर दोस्तों। इसका इसमें जो आपका चार्जर दिया गया सैमसंग में वो आपको 15 वाट का चार्जर दिया गया, जो कि दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करने में काफ़ी समय लेगी। तो दोस्तों बात करें अगर रियलमी 6 के बारे में तो रियलमी 6 में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि हालांकि सैमसंग से कम है। लेकिन दोस्तों रियलमी में आपको खास बात यह है कि रियलमी जो चार्जर दिया गया दोस्तों वो 30 वाट का फ्लैश चार्जर दिया गया, जो कि दोस्तों इस बैटरी को काफ़ी तेज़ी से चार्ज करेगी दोस्तों। तो हालाँकि दोस्तों दोनों ही फ़ोन में कुछ ना कुछ कम बेशी आपको देखने को मिल ही जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करें दोनों फ़ोन की प्राइस के बारे में, जो कि दोनों फ़ोन में आपको बताएगा कि आपको कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों, और कौन सा फ़ोन आप ले कौन सा ना ले। हालांकि दोनों का परफॉर्मेंस हमने बता दिया, दोनों का जो भी फीचर्स है आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों सैमसंग का बात करते तो सैमसंग का कुछ दिन पहले कुछ प्राइस बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन से उसका प्राइस घटा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों सैमसंग का जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा वो आपको 13199 आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग का प्राइस में, जिसमें आप सैमसंग की ये जो फीचर्स है सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। वही अगर बात करें हम लोग रियलमी 6 की तो दोस्तों रियलमी 6 का जो प्राइस आपको 13999 आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में कुछ ना कुछ कम बेसी देखने को आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ फीचर्स कम बेसी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। प्राइस रेंज में दोनों ही फ़ोन अपनी जगह पर ठीक है, आपको जो आपको दोनों में से जो आपको फ़ोन अच्छा लगे आप वो फ़ोन ले सकते हैं दोस्तों। दोनों फ़ोन के फीचर्स में से आपको कौन सा फ़ोन का फीचर्स अच्छा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और साथ साथ मेरे वीडियो में आप बने रहें और आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।